हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लेटर टू एडिटर। और लेटर टू एडिटर करने से पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो बच्चे गलती कर देते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स, वो ये भूल जाते हैं कि लेटर टू एडिटर का मतलब होता है कि आपको जो लेटर लिखना है वो एडिटर को लिखना है। इट मीन्स एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर की हर न्यूज़ को एडिट करके उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसके बाद अगर उसे लगता है कि इट्स ऑफ एनी यूज़ तो वो न्यूज़पेपर में उसने प्रिंट करना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिटर को आप ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि भाई आप हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, बट आप उसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल को थोड़ा सा स्पेस दें ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकें। तो लेटर टू एडिटर में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। एक तो इसका सबसे पहला होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट और फॉर्मेट में जो है आपकी इन द बिगनिंग क्या होनी चाहिए या मिडल पार्ट क्या होना चाहिए, एंड पार्ट क्या होना चाहिए। तो लेटर के तीन जो पैराग्राफ हैं वो हो गए। बट सबसे पहले आपको लेटर की शुरुआत कैसे करनी है, एक तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद हमेशा लेटर टू एडिटर में आपका एड्रेस सबसे पहले आना है। राइट योर एड्रेस एट द टॉप। उसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिए, फिर आपको लिखनी है डेट, फिर एक लाइन का स्पेस दीजिए, फिर आपको लिखना है एडिटर मीन्स द एडिटर। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा और न्यूज़पेपर के साथ जहाँ वो पब्लिश होता है, न्यू दिल्ली है या किसी और सिटी में है, तो वहाँ का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको बताना है, और सर के बाद आपको लेटर स्टार्ट कर देना है। अब आते हैं दूसरी बात पे, वो क्या है कि लेटर टू एडिटर भी टू टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है कोई सोशल इश्यू आपने उठाया है लेटर टू एडिटर के थ्रू, और एक वो चीज़ है जो अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या करना चाहते हैं थ्रू लेटर टू एडिटर। तो ये दोनों ही सैम्पल आपको दिखाने वाला हूँ आज, मैं बताने वाला हूँ कि आप दोनों में कैसे करेंगे। जैसे जो मेरा सबसे पहला सैम्पल है उसमें स्टेटमेंट वही रहेगी जो मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि आप पहले अपना एड्रेस लिखें, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखें, डेट के बाद आपको एडिटर का एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट और सर, फिर आपको तीन पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें आप उस फर्स्ट वाले जो मैटर को इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एसटीयू न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, या फिर आई आई वुड लाइक टू हाईलाइट जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप बताने की बताना चाहता हूँ मैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ होता है जिसमें आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ वो होता है जिसमें आपको इस टॉपिक का कंक्लूजन देना होता है कि जैसे आई होप दिस लेटर विल प्रूव एन आई ओपनर टू द अथॉरिटी एंड सम स्ट्रॉन्ग मेजर्स विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो है नेसेसिटी क्या है। एक तो ये आपका टॉपिक है जैसे नेसेसिटी ऑफ, अब मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, नेसेसिटी ऑफ वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया। अब ये जनरल टॉपिक है, इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि अथॉरिटी की तरफ ध्यान दिलाना है कि ये प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आपको ये जनरल टॉपिक है। एक प्रॉब्लम वाला टॉपिक क्या होता है कि आपकी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है, आप कंसर्न अथॉरिटी को बार बार कह चुके हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आपका स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा जनरल टॉपिक है चेन स्नैचिंग के केसेस हो रहे हैं, आप कंसर्न अथॉरिटी को बोल चुके हो, कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे ही जो आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट इज एब्सोल्युटली दोनों ही टॉपिक जो हैं ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो है, एक तो ओपन मैन होल वाला टॉपिक है, ये जनरल है, और दूसरा है हमारा जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है नेसेसिटी ऑफ वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो अब देखो, नेसेसिटी ऑफ वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया, तो व्हाट डज इट मीन। अब ये एक ऐसी बात है जो किसी आम आदमी को नहीं पता हो, तो मैं आपके सामने पूरी की पूरी पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट को समझिए क्या लिखा हुआ है इसमें। जो स्टेटमेंट बताती है, यू हैव रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन इन देयर फैमिली सोसाइटी एंड इन टर्न्स फॉर द नेशन, सो राइट ए लेटर टू द एडिटर द नेशनल टाइम्स हाईलाइटिंग योर आइडिया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन लीडिंग टू अ बेटर स्टेटस फॉर देम। यू आर तरुण तरुणा, B7/9 माल रोड, दिल्ली। अब देखो, इसमें आपने नेसेसिटी ऑफ वीमेन एजुकेशन का टॉपिक लिया है, तो इट मीन्स ये टॉपिक पहले वाले जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उससे डिफरेंट है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये
नीड है सोसाइटी की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपका एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, फिर एडिटर का एड्रेस आएगा, फिर DSR, तो नेसेसिटी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक दूसरी जो बात बच्चों के मन में होती है वो ये होती है डियर सर पहले लिखें या सब्जेक्ट पहले लिखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आप डेट को डायरेक्ट ऐसे लिखें जैसे 27 जुलाई 2023, जैसे आज की डेट आपकी चल रही है। फिर आपने स्टार्ट करने फर्स्ट पैराग्राफ, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द बर्निंग इश्यू ऑफ वुमेन्स एजुकेशन सिनेरियो टुडे इन इंडिया लीडिंग टू देयर स्टेटस इन द फैमिली सोसाइटी एंड नेशन एज अ होल। अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट पैराग्राफ बन जाता है। इसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ में, क्योंकि मैं आपको ये समझाने का मेन मोटिव सिर्फ ये है कि आपको इंट्रोडक्टरी और इसके बाद जो मिडिल पैराग्राफ बताऊंगा वो है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वुमेन इन इंडिया आर नॉट वेल एजुकेटेड, स्पेशली रूरल वुमेन हैव रिमेंड इलिटरेट फॉर एजेस। तो डिस्पाइट लिटरेसी कैंपेन इन द विलेजेस, द फीमेल चिल्ड्रंस एजुकेशन इज निगलेक्टेड ड्यू टू पेरेंट्स लैकडाइसिकल एटीट्यूड, यानी थोड़ी लेथार्जिक सी एटीट्यूड है पेरेंट्स की, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन अभी भी वैसी नहीं है जैसी मिलनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न दैट वुमेन्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन हर हस्बैंड और सन्स फॉर फाइनेंशियल नीड्स मेक्स हर अ स्लेव इन द फैमिली। तो सेकेंडली जो रीज़न है, द रीज़न फॉर द पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन टू द सोसाइटी इज दैट समटाइम्स द पेरेंट्स वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द बर्डन ऑफ द डॉटर बाई गेटिंग हर अर्ली मैरिज, उनकी जल्दी उनकी शादी कर देते हैं अंडरएज में। तो अब लास्ट पैराग्राफ क्या कहेंगे, इन व्यू ऑफ द नेसेसिटी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस द अथॉरिटीज कंसर्न नीड टू लुक इन टू द मैटर सीरियसली। अब यहाँ पर इन्होंने ये लाइन दे दी, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, आई होप दैट दिस लेटर विल एंड विल दिस लेटर विल प्रूव एन आई ओपनर टू द अथॉरिटी एंड सम स्ट्रॉन्ग मेजर्स विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर योर्स फेथफुली में, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, योर्स फेथफुली में वो कभी भी अपोस्ट्रोफी लगाना नहीं भूलते, अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, YOUR और अपोस्ट्रोफी, फिर ऐसे मत लगाइए, योर्स डायरेक्ट लिखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं ऐसी जो सेकंड सैंपल मैं आपको चाहता हूँ कि बताऊँ, और इससे आपका थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा दोनों को आइडेंटिफाई करना। और ये मेरा टॉपिक है फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स ड्यू टू ओपन मैन होल्स, ये मेरी स्टेटमेंट ऊपर गिवन है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो पहले आपका एड्रेस आएगा जैसे 10 सिविल लाइंस एक्सटेंशन चाणक्यपुरी आगरा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एडिटर का एड्रेस आ जाएगा, फिर आपको देने हैं सब्जेक्ट और सर। तो सब्जेक्ट आपको बता ही दिया, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ड्यू टू ओपन मैन होल्स है। तो आप एडिटर को बोलेंगे, इनफैक्ट ये कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल एरिया इन अवर सोसाइटी, ये सिंपल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद आपने मिडल वाले पैराग्राफ में इस पूरी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। देखो बच्चों, यहाँ गलती करते हैं आप लोग कि टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको जो 5 में से 4 या 3 मार्क्स जो हैं बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो दूसरा, लैंग्वेज का थोड़ा सा होल्ड अच्छा रखिए। और लास्ट में, आई अपील टू द अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट रेमेडियल एक्शन सो दैट एक्सीडेंट्स डू नॉट अकर, और लास्ट में एंडिंग हो जाएगी योर्स फेथफुली। अब ये 2 डिफरेंट सैंपल है, एक वो था जिसमें सोसाइटी के ऊपर, यानी सोसाइटी की कोई एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया गया, और ये वाला ऐसा है जिसमें नो डाउट प्रॉब्लम सोसाइटी की है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी वो एज अ होल पूरी कंट्री पूरे देश के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया के लिए कि ओपन है मैन होल की जो प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर आपके एरिया में है, लेकिन वो जो वुमेन की स्टेटस की बात करें तो दैट इज़ टॉपिक फॉर द इंटायर कंट्री। तो आई होप लेटर टू एडिटर के कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दैट। और इसी के साथ आपको मैं एक फॉर्मल इनविटेशन की वीडियो भी देने वाला हूँ, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।